चैलेंज में जो हारेगा ना उसको 20 बार रोड पे उठक बैठक करेगा गाइस, करना पड़ेगा। 1 2 3 सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे 10:20 एंड गाइस अभी मैं फ्रेश वगैरह होकर और सुबह सुबह आ गया हूँ छत पे। और गाइस आज मौसम काफी सुहाना है और गाइस मुझे झारखंड में आए हुए आज 4 दिन हो गया तो अच्छा भी लग रहा है गाइस आकर, यहाँ बहुत कुछ नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है गाइस। तो घर का सबका याद आ रहा, मम्मी जी का, दादा जी का, भैया जी का, सबका याद आ रहा, बहुत ही मिस कर रहे। तो गाइस जल्दी से यहाँ से हम जाएंगे और आप लोग भी बोल रहे थे गाइस कि दीपू भाई कुछ अलग ब्लॉग बनाइए, कहीं घूम के ब्लॉग बनाइए। तो फाइनली मैं तो अब कुछ अलग बना ही रहा हूँ, तो आप लोग की बारी है गाइस, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट प्यार दिखाइए। सुबह सुबह का एक प्यारा सा व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा, चारों तरफ पेड़ पौधा, उधर खजूर का पेड़। सो अभी चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और देखते हैं आज हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे। तो गाइस अभी आ चुके हैं नीचे और इधर देखिए पवन अभी बैठकर फोन चला रहा। गुड मॉर्निंग पवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर ठीक। तो गाइस सुबह सुबह पवन जब बहुत ज्यादा मेहनत किया, पूरा घर की सफाई कर दिया और इधर पापा जी है, पापा जी को प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं कि सावन भैया इसको भाव नहीं दे रहे हैं, भाई अपने घर में आए। ऐसी बात है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इनका भी शरीर है, मेरा भी शरीर है, बस इंसानियत लोगों में मिलना है। तो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई ऐसा बात नहीं है, मेरा घर अगर हमको भाव नहीं मिलता तो इस घर में शायद नहीं रह पाते पापा। गलत बोल रहे हैं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, हर इंसान को नजर देखना अलग अलग तरीका होता है। देखिए जैसे वो सोचे कि वो भाव नहीं दे रहे हैं और कोई लोग सोचेंगे, मतलब सबका अलग अलग सोच है ना, वो सोच में देखिए एक समान सोच नहीं। तो गाइस ये भी अपना ही घर है, बहुत प्यार दुलार मिला, अगर प्यार दुलार मिलता नहीं तो आपका भाई रहता ही नहीं। हेलो गाइस, तो गाइस इतना बोलना चाहते हैं ना गाइस मिस्टर दीपू को, यानी कि इसका भी एक ब्लॉक है यार, सपोर्ट करो यार, प्लीज सपोर्ट करो। तो गाइस बहुत पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट इसको सपोर्ट कीजिए, आगे लेके चलो यार, भी तो अपना लाइफ में कुछ करना चाहता है। प्रणाम मम्मी जी। नाश्ता आप ही लोग के लिए बना। सो इधर मम्मी जी बना रही है गरम गरम रोटी नाश्ता के लिए। और इधर आ गया जिम्मी, जिम्मी तो छोड़ता ही नहीं गाइस, ऐसे चाट देता है जिम्मी जिम्मी। तो गाइस देखिए मुंह चाट देता है, ऐसे किस करता है गाइस, देखिए देखिए जिम्मी कान कट जाएगा। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और इधर पवन सुबह सुबह निकाल लिया पतंग, उड़ेगा जी पतंग, देखते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके और अभी पी रहा चा और ब्लॉग को अपलोड कर देता हूँ। और गाइस इधर लगा वाईफाई। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं पे, कल गए थे हम लोग घूमने, फोन जिद कर रहा था तो फोन चलाने वाला है स्कूटी, हम बाइक की स्कूटी नहीं चलाने आता, नहीं आता ना भैया? नहीं आता भैया, आता भी है तो कूदा देंगे तो भैया फिर ऊपर से बोलेंगे पापा जी तुमको दे दिए, तुम सरोना लो पाओ ना, आप चलाओ लो। हमको तो आधे चलाना था, हम तो नलिया में चला। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल के पास और पवन भैया भाई स्कूटी पे इतना डर रहे थे, और पवन का भी क्यों डर रहा था पवन? अरे बहुत इसे कौन चलाता है भाई साहब, इतना स्लो चला रहे थे फिर भी ये लोग डर रहे हैं। और ये कौन सा मॉल है भैया? ये मॉल बिष्टुपुर में आया ना हम लोग। तो गाइस जमशेदपुर में बिष्टुपुर है, वहाँ पे पीएम मॉल है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है ना। और ये रहा मॉल, पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और गाइस चलते हैं घूमते हैं, जमशेदपुर आए हैं तो घूमना तो बनता है गाइस। और आप लोग देखिए कितना प्यारा ताजमहल, ऐसा लग रहा है गाइस आगरा का ताजमहल आ गया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन और लंदन वाले बस में बैठ गए सावन भैया पवन, मजा आ रहा है भाई साहब, तो गाइस मजा ही आ जा रहा है यार, खूब इंजॉय हम लोग कर रहे हैं। तो गाइस माल वगैरह घूमे हम लोग और आ गए अभी अपनी स्कूटी के पास और फाइनली अभी निकल रहे हैं घर की ओर। सो अभी जा रहे हैं सावन भैया के साथ गोलगप्पा चैलेंज करने और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो वहां से लाएंगे गोलगप्पा। तो गाइस देखो पेट भर चुका है, पेट भरा हुआ है फिर भी चैलेंज करना है इनको। सोच रहे हैं कि भाई पतला निकला हुआ है गाइस, देख रहे हैं चलेगा गोलगप्पा लेने। तो गाइस अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, अब दीपू भैया नहीं चला के हम चलाएंगे। अंकल जी रुकिए रुकिए, गोलगप्पा लेना रुकिए, कहाँ? अच्छा जल्दी करिए अंकल। गाइस अभी गोलगप्पा हो गया पे, सावन भैया स्कूटी राइड करने जा रहे हैं और खा भी रहे हैं, ज्यादा खा लेंगे तो हार जाएंगे भाई साहब। हम खाएंगे हार जाएंगे। हम लोग घर पे आ चुके और मम्मी जी निकाल दी थाली निकाल दी और सावन भाई आ जाइए यार अंदर चला जाए, इनको ले लीजिए। तो अभी गोलगप्पा लगा दे रहे हैं हम लोग 25 इसमें 25 इसमें, और क्या पवन कौन जीत सकता है बताओ पवन?
जीतेगा ना। और गाइस जिम्मी भी सोच रहा मुझे कब देंगे लोग खाने के लिए। जिम्मी तो गाइस अभी सामान लिया बैठ गए और गोलगप्पा हम लोग निकाल दिए। देखिए इतना सारा गोलगप्पा 25-25 है एंड गाइस इसमें हम लोग और निकाल के देते हैं क्योंकि मम्मी है पापा है पवन है तो इसमें से निकालिए सामान लिया। और गाइस आप लोग को बताऊं आज जो हारेगा इस चैलेंज में जो हारेगा ना उसको 20 बार रोड पे उठक बैठक करेगा गाइस करना पड़ेगा। आज तक शायद आपको लगता कोई ऐसा नहीं किया होगा गोलगप्पा चैलेंज में। दस हमारे में आप लोग काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके में दे सकते हैं 10 इनके में। और चैलेंज को स्टार्ट करते हैं 5 5 ठीक है 1 2 3 और गाइस जिम्मी भी देख रहा है कैसे भी खा सकते हैं ना। हाँ जैसे मन करे वैसे खाइए। सूखा ऐसे भी खा सकते हैं। सूखा क्यों खाएंगे गाइस देखिए अपना कंजूसी वाला दिमाग लगा रहे हैं। सूखा नहीं पानी भी है और ये मतलब चोखा भी है इसको भी खाना पड़ेगा ना। कैसे आप दुकान पे खाएं वैसे ही खाना ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। अरे भाई फूट गया गाइस मेरा पहले ही फूट गया। चोखा पानी सब भरी है। पानी भी भरी है। देखे कौन जीतता। बराबर हो गया दोनों के। चैलेंज होता है करना पड़ेगा अभी जी सब देखेंगे जी। अरे क्या हो गया देखेंगे चैलेंज तो चैलेंज होता है। हाँ चैलेंज में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सर लोग ऐसे ही कराते थे मुर्गा बनवा देते थे उठक बैठक करवा देते थे सौ बार उठा देते ऐसे करके भी था। चलिए आइए जीत ही नहीं सकते तो खेले क्यों खेले क्यों। चलो तो गाइस अभी कराते हैं साउंड भैया से उठक बैठक क्या हो गया तू तुम्हें कोई कोई खड़े है उनकी चाहिए नहीं अरे साहब इनको देखिए इनको आ रही है शर्म। अरे शर्म किस बात की जी। चलो स्टार्ट। कौन शर्मा रहा ना एकदम। हाँ एकदम शर्मा रहा है। बचा भी लीजिए। हाँ जी ना गाय बचा भी लीजिए। पवन क्या बोलता है गाइस कौन काउंट करो। 10 बार ना। हाँ 10 बार ठीक है चलो। 20 बार कहे थे ना हम लोग। हाँ 20 बार। पवन भी मजा ले रहा है लमदाब के। चलो एक जल्दी 1 2 3 पवन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 14 15 16 17 18 19 20 गाइस अभी मम्मी जी ला दी खाना सो अभी हमारी चल रही है एडिटिंग और अभी सोकर केला भी खा रहे हैं। साउंड भाई केला ला कर दिए खाने के लिए। रात के बज गए 2:30 और वीडियो की एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड गाइस अब काफी तेज नींद आ रहा और अभी जा रहे हैं सोने। करते हैं आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर भाई के चैनल पे आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेगा। बस ये बोलेंगे 2:30 हो गया अभी मैं थंबनेल एडिट कर रहा हूँ बैठ के। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो देख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपू चौधरी 39 आप लोग उसको भी फॉलो कर लेगा। और गाइस इंस्टाग्राम पे भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो बस अब ब्लॉग को एंड करते हैं नींद काफी तेज आ रहा। नमस्ते प्रणाम जय हिंद लव यू।